Hello my dear student, welcome again in my YouTube channel and this is Ankit Tiwari and you are watching me on the platform of student learning classes. उससे पहले अगर आज हम excretion topic के बारे में study करने वाले हैं, उससे पहले यदि आप इस YouTube channel पर नए हैं और अभी तक video को subscribe और बेल आइकॉन को नहीं दबाया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन ड्यू टू विच वी कैन यू कैन इजिली गेन द नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियो. ओके सो लेट्स स्टार्ट टू टॉक अबाउट एक्सक्रीशन. क्या होता है एक्सक्रीशन थोड़ा समझते हैं. बहुत ही आसान सी बात है. ऑलरेडी हम इस चीज के बारे में आपको बता रखे हैं जब हमने आपको डाइजेशन चैप्टर पढ़ा रखा था. तो मैंने कहा था कि एक्सक्रीशन और इजेशन दो अलग अलग बातें होती हैं. एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट. मतलब क्या होता है थोड़ा समझते हैं. वो चीज जो हमारे बॉडी में आई तो हमारे लिए जरूरी थी, लेकिन बाद में उसको जब ब्रेक किया गया तो ब्रेक करने के बाद उसमें कुछ हिस्सा हमारे लिए जरूरी था और कुछ हिस्सा हमारे लिए उसका जो है यूजफुल नहीं था. फॉर एग्जाम्पल, आप घर में जब मार्केट से सब्जी खरीद करके ले आते हैं तो सब्जी बिल्कुल आपके लिए जरूरी चीज होती है, लेकिन जैसे कि मान ली नेनुआ ले आए, आलू लेके आए तो उसको छिलते हैं तो क्या होता है उसमें से जो छिलका होता है वो क्या होता है, एक वेस्ट मटेरियल होता है जिसको आप फेंक देते हो. कुछ ऐसा ही आपकी बॉडी में भी होता है. जैसे कि आप अगर ग्लूकोज जो है आपके ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ है या अमीनो एसिड एब्जॉर्ब हुआ है या फैटी एसिड और ग्लिसरॉल एब्जॉर्ब हुआ है तो ये आपके सेल में जाता है. सेल में जाने के बाद ग्लूकोज का अगर रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और साथ में एनर्जी निकलती है. 673 किलो कैलोरी एनर्जी यानी कि लगभग 673 किलो कैलोरी एनर्जी निकलती है और ये एनर्जी मात्र 38 एटीपी बनाने में सक्षम होती है, जिसकी इफिशियंसी 40-45% होती है जैसे हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है. पर एक्सक्रीशन का सेंस क्या है? एक्सक्रीशन का मतलब रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट है. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला वो क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट है. उसी तरह से जब हम प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन हमारे बॉडी में जाता है, सेल में जाता है, और जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो निकलता है बहुत ही टॉक्सिक मटेरियल हमारे बॉडी में निकलता है. तो टॉक्सिक मटेरियल का नाम है अमोनिया. यानी जब प्रोटीन जब ब्रेक होता है, समझ रहे कि नहीं, जब प्रोटीन ब्रेक होता है तो प्रोटीन ब्रेक होता है तो अमीनो एसिड में जाता है और अमीनो एसिड में से निकलता है अमोनिया और ये अमोनिया बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है. बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है तो भाई हमारे शरीर में कुछ व्यवस्था होती है जो इसकी टॉक्सिसिटी को क्या करती है, कम करती है. अब इसकी टॉक्सिसिटी को कम कैसे किया जाए, तो इसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है. तो जब आप अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जोड़ते हैं, यानी कि अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है और अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐसे ही नहीं जुड़ जाएगा, एक जगह पर जुड़ता है और उसका नाम है लीवर. तो जो लीवर होता है वो दो अमोनिया के मॉलिक्यूल और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल को लेकर के NH2CONH2 यानी कि एक लेस टॉक्सिक मटेरियल यूरिया बनाता है. ठीक है, N2H4CO या NH2CONH2, दिस इज यूरिया. ठीक है, इसके बारे में केमिस्ट्री में बड़ी कहानी है. जब हम पढ़ाएंगे आपको जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड तो वहां सीखेंगे बहुत सारी बातें, पर यहां जानते हैं NH2CONH2 क्या है. तो NH2CONH2 जो है ये यूरिया जो है लेस टॉक्सिक मटेरियल हो गया और इस लेस टॉक्सिक मटेरियल जो है हमारे ब्लड में आ गया. अब इस चीज को फिल्टर करके हमें जो है बॉडी से बाहर निकालना है और फिल्टर करने के लिए हमारे बॉडी में एक जो है ऑर्गन पाया जाता है किडनी. किडनी जो होता है वो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है ना. किडनी क्या है, एक ब्लड को फिल्टर करने वाला ऑर्गन है और वो ब्लड को फिल्टर करके उसमें से जो भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उनको रिमूव करने की कोशिश करता है. लेकिन जो किडनी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको क्या कहते हैं, तो किडनी का जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको नेफ्रॉन कहते हैं. जैसे कि मान लीजिए घर है, तो घर एक सबसे बड़ी यूनिट है. घर में सबसे छोटा यूनिट ईंटा होता है, छोटे छोटे ईंटों से मिलकर पूरा घर बनता है. उसी तरह से किडनी जो है जो सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट से मिलकर बनी होती है उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं. उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. उससे पहले एक्सक्रीशन का मतलब समझ में आया, जस्ट सिंपल में एक वर्ड में समझिए, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कंसीडर एज एक्सक्रीशन. और एक्सक्रीशन आपके बॉडी से यूरिया का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है. कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बना, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बना. और ये कैसे बना, NH2CONH2 यानी यूरिया कैसे बना, जब प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है तो अमोनिया बनता है. अमोनिया बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, उसकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए वो लीवर में जाता है और लीवर में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर के यूरिया बनाता है और फिर ये जो है ब्लड में जाता है. ब्लड में किडनी उसको फिल्टर करती है, किडनी उसको एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करके
एक्सक्रीशन के प्रोसेस को अंजाम देती है। ये तो रही बात आपके एक्सक्रीशन के बारे में। अब कुछ आपकी किताब में एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में दिया रखा होगा। आपको बता दें किडनी जो है आपके इस लंबर जोन में रहती है, पीछे वाले जोन में दोनों साइड पाई जाती है, ठीक है, और लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में पाई जाती है कि किडनी। अगर एक किडनी का 10% हिस्सा भी सही से काम करता है तो कहीं ना कहीं इंसान जो है सर्वाइव कर सकता है। यानी अगर जरूरत पड़े तो एक किडनी बेच भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप स्वस्थ हैं तो। पर दिक्कत होती है जब आप एजड होते हैं, बूढ़े होते हैं, तो दिक्कत होती है। यानी किडनी जो है वो आपके बॉडी में दो होती है। किडनी का वजन 1.7 यानी कि लगभग 170 ग्राम होता है, ठीक है, 170 ग्राम, 140 से लेकर 170 ग्राम इसका वजन होता है किडनी का। और किडनी के ऊपर शंकर भगवान ने एक जो है किडनी जो है बारिश में भींग रही थी, और भींग रही थी तो भगवान से बोली कि भाई हम भगवान भीग रहे हैं, थोड़ा हमारे लिए छाते का व्यवस्था करिए। तो छाते के रूप में उसके ऊपर उन्होंने एक एड्रिनल ग्लैंड जो रख दिया, दिस इज एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। अब किडनी में जो ब्लड लेकर के आती है दैट इज रीनल आर्टरी, यह है रीनल आर्टरी जो ब्लड लेकर के आती है, जो आप रेड कलर से देख रहे हैं, और जो ब्लैक कलर का दिख रहा है यह है रीनल वेन, और ये जो दिखा हुआ है बीन शेप स्ट्रक्चर होता है। किडनी जो है कैसा बीन शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम किडनी कहते हैं, और ये जो दिख रहा है इसको हम आरोटा कहते हैं, और ये जो दिख रहा है वेना कावा, यह है यूरिनरी ब्लैडर और यह है यूरिथ्रा, ठीक है, और यह है यूरेटर, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको यूरेटर बोलते हैं, ठीक है। ये लोग यूरेटर जो है ये यूरिन जब बन जाता है किडनी से, तो ये किडनी से जो है यूरिन ले आकर के यूरिनरी ब्लैडर में छोड़ता है। जब यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फिल हो जाता है, भर जाता है, तब आपको जो है सिग्नल जाता है ब्रेन को, यहां से फिर आप मिक्चुरेशन, रिमूवल ऑफ यूरिन फ्रॉम द बॉडी को मिक्चुरेशन कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, और हो गया एक्सक्रीशन के बारे में। मेटालिक नोट्स बनाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, मिटाने वाला तो दिख नहीं रहा है, हाँ ये रहा, चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब अगर इतना क्लियर हो जाता है तो अब हम सीखेंगे क्या होता है किडनी का स्मॉलेस्ट यूनिट, और कैसे किडनी जो है फिल्ट्रेशन के काम में, कैसे जो है ब्लड को फिल्टर करती है, और कैसे फिल्टर करके जो है वो यूरिन निकालती है। आपकी किताब में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बनाया हुआ है किडनी का, है ना, मतलब नेफ्रॉन का। तो किडनी के जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको नेफ्रॉन कहते हैं, और नेफ्रॉन को स्ट्रक्चर को थोड़ा हम इजी बनाते हैं। तो देखिए नेफ्रॉन जो होता है वो दो तरह के आर्टरी से मिलकर बना होता है, एक अफरेंट आर्टरी और इधर होती है इफरेंट आर्टरी। ये थोड़ी पतली होती है और ये थोड़ी, इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरी, और ये जो आ रही है उसको बोलते हैं अफरेंट आर्टरी। ये मिल करके यहां एक स्ट्रक्चर बनाती है, एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, इसको हम टफ्ट ऑफ कैपिलरी यानी कि ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरुलस, आर यू एल ओ एस, ग्लोमेरुलस कहते हैं, टफ्ट ऑफ कैपिलरी, कैपिलरीज का गुच्छा है। और यहां ज्यादा प्रेशर से, यहां जो है कम प्रेशर से ब्लड आता है, और चूंकि यहां जो डायमीटर कम हो जाता है तो यहाँ प्रेशर ज्यादा हो जाता है, और प्रेशर ज्यादा होने से वहां क्या होता है फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को अंजाम दिया जाता है। इसको थोड़ा और कप लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे, ठीक है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोमेन कैप्सूल कहते हैं। जो कप लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दिस इज बोमेन कैप्सूल। अब यहां जो है आपकी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर ये है आपका, इसको बोलते हैं हेनले लूप, ठीक है, इसका दो हिस्सा होता है, एक असेंडिंग होता है और एक डिसेंडिंग होता है। इसका अलग अलग काम है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कैसे यूरिन बनता है और कैसे फिल्ट्रेशन ऑफ यूरिन होता है, दोनों आपको समझाते हैं। यहां ब्लड फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद वो बोमेन कैप्सूल के पास भी थोड़ा बहुत फिल्टर होता है, और फिल्टर होने के बाद जो है ये इस वाले हिस्से में आता है, इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल यानी कि पीसीटी। दिस इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल यानी कि पीसीटी कहते हैं। इसको हम लोग हेनले लूप पूरे हिस्से को बोलेंगे, हेनले लूप पूरे हिस्से को क्या बोलते हैं, हेनले लूप बोलते हैं,
समझ रहे हैं, ये जो पूरा हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे, हेनले लूप बोलेंगे। अब ये जो हिस्सा दिखा है इसको डिसेंडिंग लिंब ऑफ हेनले लूप बोलते हैं, उतर रहा है, और उसको बोलते हैं असेंडिंग लिंब ऑफ हेनले लूप। ठीक है, अभी समझाएंगे इसका काम क्या होता है, पहले समझिए कि हेनले लूप है क्या। ये बेसिकली यूरिन को कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है, जैसे आपकी बॉडी से सिर्फ टॉक्सिक मटेरियल को निकाला जा सके। ठीक है, टॉक्सिक मटेरियल निकले और बाकी जो काम का मटेरियल है वो आपके बॉडी में ही रहे। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है वो क्या है, ये है हेनले लूप। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब अगर ये हेनले लूप है, इसको बोले असेंडिंग लिंब ऑफ हेनले लूप, इसको बोले डिसेंडिंग लिंब ऑफ हेनले लूप। अब क्या करना है, इसको आगे जाते हैं, इसको बोलते हैं डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, दिस इज डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल यानी डीसीटी। अब ये हो जाता है आपका कलेक्टिंग डक्ट, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो दिख रहा है ये है कलेक्टिंग डक्ट, और ये जो कलेक्टिंग डक्ट है दिस विल हेल्प इनटू द व्हाट, दिस विल हेल्प इनटू द कलेक्शन ऑफ यूरिन, जो कि आपका यूरिन जो है कलेक्ट होता है वो यहाँ कलेक्ट होता है। ठीक है, अब बात को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए, चीजों को फिनिश करने की कोशिश किया जाए। तो ब्लड यहाँ से आया, यहाँ फिल्टर हुआ, फिल्टर होने के बाद ब्लड में से फिल्टर क्या हुआ, सिर्फ प्रोटीन और कुछ जो आपके ब्लड के हिस्से हैं सिर्फ वही रह जाते हैं, बाकी सब कुछ इसमें आते हैं। तो बहुत सारे नेसेसरी मटेरियल इस फिल्टर से छन के आते हैं, एक दिन में लगभग 180 लीटर का फिल्ट्रेशन होता है, जिसमें से मात्र 1 से 1.5 लीटर 1 से 1.5 लीटर ही यूरिन बन पाता है। तो जैसे ही ये फिल्ट्रेशन यहाँ आता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पे, मोस्ट ऑफ द एसेंशियल चीजें बहुत सारी जरूरत की चीजें हैं वो यही एब्जॉर्ब कर ली जाती है। एब्जॉर्ब करने के बाद जब नीचे आता है फिल्टर हिस्सा, जो नीचे आता है, तो ये वाला हिस्सा वाटर के लिए परमिएबल होता है, H2O के लिए परमिएबल होता है, यानी कि वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब होता है। समझ रहे कि नहीं, क्या होता है, वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब होता है। अब वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है, इस चीज को समझने के लिए हम आपको एक और स्ट्रक्चर दिखाते हैं कि यहाँ होता क्या है कि एब्जॉर्ब करता है। ये जो दिख रहा है स्ट्रक्चर ना, अब ये स्ट्रक्चर बनाता है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, ये कुछ ऐसे करके स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे दिखा सकते हैं, लुकिंग लाइक दिस, ऐसे चला गया ऐसे। ठीक है, ये आपका इसको बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, ये जो दिख रहा है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर, नाम से लगा पेरी मतलब पेरीफेरी, ट्यूबुलर मतलब ये जो आपको दिख रहा है हेनले लूप है ना, और कैपिलरी मतलब क्या, इसका नाम है पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। जैसे ही आपका जो ब्लड जो फिल्टर होकर के जो फिल्ट्रेशन वाले हिस्सा जो फिल्टर हिस्सा जब इस वाले हिस्से में आता है कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में वाटर एब्जॉर्ब होकर के चला जाता है। यहाँ से ब्लड आया था तो बहुत अच्छा था, यहाँ गया तो काफी कंसंट्रेटेड हो गया था, और कंसंट्रेटेड ब्लड को फिर से नॉर्मल करने के लिए पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज यहाँ लगी हुई है जो यहाँ से ब्लड को फिल्टर करती है। पहले जो जरूरत का वाटर था, वाटर आ गया, यहाँ आते आते यूरिन काफी कंसंट्रेटेड हो गया। ठीक, जब यहाँ आ गया काफी कंसंट्रेटेड हो गया तब क्या हुआ, और अभी वाटर निकला हुआ मिनरल पड़े हुए, अब जरूरत के मिनरल, ये वाला हिस्सा जो दिखा है असेंडिंग लिंब ऑफ हेनले लूप, ये मिनरल के लिए परमिएबल होता है, और यहाँ से मिनरल जब निकाल लिया जाता है तो फिर वो डाइल्यूट हो जाता है, और जब यहाँ पहुँचता है, यहाँ जब पहुँचता है आपका यूरिन, तो यहाँ जो जरूरत की चीज़ें होती हैं उनको फिर से एब्जॉर्ब किया जाता है, जैसे वाटर, वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ आपके जो है एड्रेनल ग्लैंड से, ठीक है, किस ग्लैंड से, वाटर को यहाँ से एब्जॉर्ब करता है। अगर ये काम नहीं करता, अगर आपका एडीएच हार्मोन अगर यहाँ काम नहीं करता है तो इंसान को एक बीमारी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं डायबिटीज। डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, कौन सी बीमारी होती है, डायबिटीज इंसिपिडस होती है। और ध्यान देना है, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल पे जब एडीएच हार्मोन काम करता है तो क्या करता है, यहां से वाटर पे अब्सॉर्ब कर देता है,
तो यूरिन और कंसेंट्रेटेड जाता है और जो भी टॉक्सिक मटेरियल जो यूरिन हुआ वो इधर से चला गया। मान लीजिए अगर एडीएच हार्मोन नहीं निकलता है तब इंसान को यूरिन ज्यादा यानी यूरिन में वाटर की मात्रा ज्यादा चली जाती है और उसको बीमारी होती है डायबिटीज इंसिपिडस। ये पूरा मैकेनिज्म होता है फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। कैसे हुआ तो दो चीजें पूछी जाती है, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, तो नेफ्रॉन ये लेबल डायग्राम हो गया और ये आपको बनाना है। और दूसरा कहेगा मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन आपको मेंशन करना पड़ेगा। मैंने फिर से समझा देता हूँ क्या हुआ, यहाँ से ब्लड आया, यहाँ फिल्टर हुआ और जो थोड़ा बहुत गया वो कंसनट्रेटेड ब्लड यहाँ है। ठीक है, अब इसको जो बोलते हैं उसको बोलते हैं रीनल वेन, ध्यान दीजिएगा यह है रीनल वेन है ना, और इधर से रीनल आर्टरी ब्लड लेके आ रही है, यहाँ से फिल्ट्रेशन हुआ। फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्टर्ड हिस्सा है वो प्रॉक्सिमल कन्वोलुटेड ट्यूब में पहुंचा, मोस्ट ऑफ द जरूरत की चीजें यहाँ से एब्जॉर्ब हो गई, फिर वाटर यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ आते आते कंसनट्रेटेड हुआ, फिर यहाँ से मिनरल एब्जॉर्ब हुआ और यहाँ पहुंचा तो जो भी वाटर और बच गया था क्योंकि मिनरल निकाला गया तो फिर डाइल्यूट हो गया, तो यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब किया एडीएच हार्मोन ने और बाकी जो बचा हिस्सा रह गया दैट इज यूरिन, उसको हम यूरिन कहते हैं और वो यूरिन हमारे कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाता है। पूछा जाता है कि ये कलेक्टिंग डक्ट इस जो है नेफ्रॉन का हिस्सा है कि नहीं, तो आंसर है नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं होता है। तो ये आपका लेबल डायग्राम हो गया किसका, नेफ्रॉन का क्या काम होता है। नेफ्रॉन इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी दैट हेल्प इन टू द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो दिस इज अबाउट नेफ्रॉन। तो ये लेबल डायग्राम हो गया और मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन पूछा जाएगा। ड्रॉ, अगर चार नंबर का क्वेश्चन आएगा तो बोलेगा ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ द नेफ्रॉन एंड एक्सप्रेस द एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो आप इस तरह से आप कॉपी पे अपने हिसाब से समझ करके अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। ये इजी डायग्राम है, अगर आप ये बनाते हैं तो कोई गलत नहीं करेगा। आपकी किताब पे जो बना हुआ है डायग्राम है वो थोड़ा टफ है और थोड़ा समझने लायक भी, आप इसको बनाएंगे तो समझ में आएगा। दिस इज बॉमेन कैप्सूल, इसको बना लिख लीजिएगा यहाँ बॉमेन कैप्सूल ये है। दिस इज अ ग्लोमेरुलस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, दिस इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, दिस इज डिसेंडिंग लिंब ऑफ हैलेलू, दिस इज असेंडिंग लिंब ऑफ हैलेलू, दिस इज डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। इसका लेबल डायग्राम हो गया। फिल्ट्रेशन ऑफ मैकेनिज्म मैंने बता दिया, ये है आर्टरी जो ब्लड लेके आ रही है, यहाँ उसका फिल्टर होता है, फिल्ट्रेशन होता है, फिर यहाँ से फिल्ट्रेशन होता है, लगभग 180 लीटर फिल्ट्रेशन होता है जिसमें से मात्र 1 से 1.5 लीटर ही यूरिन बनता है। यहाँ मोस्ट ऑफ जरूरत की चीजें एब्जॉर्ब होती है, वाटर एब्जॉर्ब होता है, यहाँ मिनरल एब्जॉर्ब होता है, फिर वाटर एब्जॉर्ब होता है, फिर जो कुछ बच जाता है दैट इज यूरिन, और वो यूरिन यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। यूरिनरी ब्लैडर में जब वो भर जाता है तो सिग्नल जाता है ब्रेन को, और जब ब्रेन को सिग्नल जाता है तो आप मैच्यूरेशन के प्रोसेस को अंजाम देते हो। ये पूरी फेनोमेनोलॉजी आपकी बॉडी में यूरिन बनने का। तो किडनी क्या है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है। आपको किडनी का भी लेबल डायग्राम बनाने को आ जाएगा, जो अभी थोड़ा देर पहले डायग्राम यहाँ मैंने बनाया था वो भी आ सकता है। अब हम सीखेंगे कि प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है। अगर इतना क्लियर हो गया तो एक्सक्रीशन इनटू द प्लांट, प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है। फिर हम एक चीज सीखेंगे हीमोडायलिसिस यानी आर्टिफिशियल किडनी। क्यों ना पहले हम हीमोडायलिसिस ही पढ़ लेते हैं फिर प्लांट के अंदर पढ़ेंगे। मिटा लें इसको, बना लीजिएगा अच्छे से, जो ना समझ में आए जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए ध्यान दीजिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अब क्या है हीमोडायलिसिस, मैं आपको फ्री कराता हूँ मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बहादुर बच्चों। हीमोडायलिसिस एक ऐसी फिनोमेना है जिसमें जब हमारी किडनी फेल यानी कि कमजोर पड़ जाती है तब हमारे शरीर को जो है शरीर में टॉक्सिक मटेरियल बढ़ जाते हैं, और उस टॉक्सिक मटेरियल को कम करने के लिए हम एक आर्टिफिशियल मशीन यूज करते हैं जिसे हम डायलाइजर कहते हैं और डायलाइसिंग मशीन कहते हैं। क्या है हीमोडायलिसिस और क्यों जरूरत पड़ती है। तो जब पर्सन हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट होता है तो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट के जो है और शुगर का पेशेंट होता है
बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर का जब पेशेंट होता है तो उसका हाई ब्लड प्रेशर होने के चलते उसकी किडनी पे प्रेशर पड़ता है और किडनी के प्रेशर के चलते किडनी फेल होने लगती है, उसकी जो नेफ्रॉन होती है वो डैमेज होने लगती है और उस तरह से वो फिल्ट्रेशन नहीं कर पाता है। अब अगर वो डायबिटीज का पेशेंट है और हाई बीपी का पेशेंट है तो पहले हाई बीपी के पेशेंट के साथ कहानी होती है, पहले किडनी फेल होता है, फिर उसका असर जो है किडनी के साथ साथ ब्रेन पे पड़ता है और जब ब्रेन में पड़ता है तो उसके बॉडी में पैरालिसिस की भी कंडीशन आ जाते हैं। इसलिए हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, कहते हैं कि जो हाई बीपी का जो पेशेंट है उसको हमेशा अपना दवा अपने पॉकेट में लेकर चलना चाहिए और समय समय से खाते रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसको कभी भी अटैक आ सकता है और अगर वो दवा नहीं खाया हुआ है तो तुरंत उसकी बॉडी का कोई हिस्सा पैरालिसिस हो जाएगा अगर उसकी बीपी हाई हो जाए। इसलिए ज़रूर आप जो है जो भी हाई बीपी के पेशेंट हो उनको दवा एक या प्रस्क्राइब करके दवा अपने पास रखते रहो, खाते रहो। खैर बात की बात आगे बढ़ते हैं, हीमोडायलिसिस की बात करते हैं। हीमोडायलिसिस होता क्या है, एक ऐसी मशीन होती है, एक ऐसा मशीन होता है जिसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो कि डायलिसिस के प्रोसेस को अंजाम देती है। जैसे मान लीजिए पेशेंट है जिसका किडनी काम नहीं कर रहा है और उसके बॉडी में यूरिया और क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ चुकी है, अब उसका फिल्ट्रेशन करना है। फिल्ट्रेशन करने के लिए हम मशीन लगाते हैं, कैसी मशीन है, जैसे मान लीजिए ये ह्यूमन का हाथ है, ठीक है, ह्यूमन का हाथ है समझने के लिए। अब एक पाइप जो होता है वो उसके आर्टरी से निकलता है, ठीक है, एक पाइप है जो उसके आर्टरी से निकलता है और आर्टरी से निकलने के बाद वो चला जाता है कहाँ, डायलाइजिंग मशीन में। डायलाइजिंग मशीन के अंदर पाया जाता है डायलाइजिंग फ्लूड, ठीक है, डायलाइजिंग मशीन में चला जाता है और डायलाइजिंग मशीन में कुछ ऐसा होता है, डायलाइजिंग मशीन ऐसे करते हैं, ठीक है, आप इसको समझिएगा। आप अगर बर्फ बनने वाली फैक्ट्री देखे होंगे तो कुछ ऐसा ही लगा होता है ना, और उससे पानी निकलता, ठीक है, तो ये रहा, क्लियर है, ऐसे बना हुआ है और इधर से मान लीजिए फिर ऐसे चला गया। एक है फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन है, यहाँ फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन, ठीक है, यहाँ जो है फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन है, ठीक है, और इधर जो देख रहे हैं आप, इधर जो है थोड़ा वो जो गंदगी है तो गंदगी जो है इकट्ठा कर दी जा रही है और एक हिस्सा जो है जो फ्रेश डायलाइजिंग सॉल्यूशन है जो फ्रेश हो चुका है ब्लड और धीरे से इसकी वेन मिल जाकर के इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। कभी कभी जब पर्सन को ज़्यादा बार डायलिसिस करना होता है तो फिस्टुला लगा दिया जाता है ताकि बार बार जो है इसको प्रॉब्लम ना हो। तो ये पूरा आपका डायलाइजिंग फ्लूड है, जैसे ही आपका ब्लड इस डायलाइजिंग जो है मशीन में जाता है, डायलाइजिंग फ्लूड का जो कंपोजिशन होता है वो सेम कंपोजिशन होता है जो आपका ब्लड का होता है, लेकिन उसमें टॉक्सिक मटेरियल नहीं होते, तो जो भी टॉक्सिक मटेरियल होता है वो डायलाइजिंग फ्लूड में चला जाता है और उसके बाद आपका ब्लड फ्रेश होकर के आपकी बॉडी में चला जाता है। इस फेनोमेना को हम हीमोडायलिसिस कहते हैं, यानी फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बाई द आर्टिफिशियल मैकेनिज्म, बाई द प्रोसेस ऑफ मशीन, बाय यूजिंग मशीन इज नोन एज व्हाट, हीमोडायलिसिस, इन विच वी आर फिल्टरिंग द ब्लड एंड रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल विल टेक प्लेस, ठीक है। व्हाट इज हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस इज अ फेनोमेना इन विच वी आर फिल्टरिंग द ब्लड विद द हेल्प ऑफ मशीन एंड रिमूवल ऑफ आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ टॉक्सिक मटेरियल विल टेक प्लेस। सो दिस इज अ हीमोडायलिसिस। अब हम सीखेंगे कि कैसे जो है प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन होता है। तो प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन बहुत आसान है, प्लांट के अंदर ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से बनता है, कहीं ना कहीं वो भी जो है उसके जरूरत की नहीं है तो वो बाहर चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर चला जाता है क्योंकि प्लांट भी क्या करता है जो है रेस्पिरेशन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और फोटोसिंथेसिस उसके अंदर बताया था कि सिर्फ दिन में फोटोसिंथेसिस होता है लाइट के प्रेजेंस में, लेकिन रेस्पिरेशन वो 2400 घंटा करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा, इसमें कोई शक नहीं। इसके अलावा उसके अंदर जो है रेजिन और टेनिन के फॉर्म में जो है उसके जो है बार्क में जो छाल होती है वहाँ जो है टॉक्सिक मटेरियल स्टोर होते हैं या उसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल उसके लीफ में स्टोर होते हैं और ये सारे टॉक्सिक मटेरियल जब पतझड़ का मौसम आता है तो उसी समय ये झड़ जाता है। यानी प्लांट के अंदर जो कह सकते हैं एक्सक्रीशन का जो मेन सिस्टम होता है वो तो उसकी लीफ होती है, लीफ में सारा टॉक्सिक मटेरियल स्टोर होता है और साल भर में एक बार एक्सक्रीशन होता है। सो ऑल दीज आर प्रोसेस
by which excretion will take place in the plants and animal. So इस तरह से आपका life process chapter खत्म होता है मेरे प्यारे बच्चों. मैं आपको एक बार within 2 minutes explain कर रहा था मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया. बेटा चैप्टर का नाम था लाइफ प्रोसेस. मैंने स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन से. मैंने कहा था व्हाट इज न्यूट्रिशन, तो आपने कहा था कि सर इट इज जस्ट अ सिस्टम इन विच वी आर टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट दैट विल रेगुलेट द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ अवर बॉडी एंड आल्सो प्रोवाइड अस एनर्जी. अब न्यूट्रिएंट्स कितने तरीके होते हैं, तो मैंने कहा 7 तरह के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल वाटर एंड नफिस. फिर आता है न्यूट्रिशन कितने तरीके होता है, मैंने कहा 2 तरह का होता है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक में कीमो ऑटोट्रॉपिक और फोटो ऑटोट्रॉपिक पढ़ा था. हेटरोट्रॉपिक में 4 पढ़ा था आपने, पैरासिटिक, सिम्बियोटिक और पैरासिटिक सिम्बियोटिक और क्या पढ़ा था जो है पैरासिटिक सिम्बियोटिक और सैप्रोफिटिक और होलोजोइक. फिर हमने होलोजोइक जो हमारे अंदर होता है डिटेल में पढ़ा क्या होता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो मैंने कहा था कि द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड फॉलो द 5 different stages एंड अल्टीमेटली यूज द फूड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड मेकिंग एंड मेंटेनिंग अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडीज कंसीडर एज अ व्हाट होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, तो मैंने कहा था कि ऑल द एलिमेंट्री कैनाल एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम माउथ टू एनस इज कंसीडर एज अ व्हाट एलिमेंट्री कैनाल इन विच ऑल द प्रोसेस ऑफ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कंप्लीटेड. फिर उसके बाद जब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीटेड हो गया तो हमने कहा था कि माउथ में हमारे टीथ होता है, टीथ का कंपोजिशन बताया. फिर माउथ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, कैसे माउथ में 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, फिर कैसे ओसोफोगस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, स्टमक में सिर्फ और सिर्फ HCl और पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन पाया जाता है जो कि पेप्सिन और रेनिन में कन्वर्ट होता है, 2 प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, थोड़ा बहुत फैट डाइजेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट किसी भी लेवल पर डाइजेस्ट नहीं होता है, HCl बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करता है और इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है. पूछा जाता है कि पेप्सिन और जो ट्रिप्सिन होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, तो पेप्सिन जो होता है वो एसिडिक पीएच पे काम करता है और ट्रिप्सिन बेसिक पीएच पे काम करता है. आपसे पूछा जाता है कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है, फिर जो आपका फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, फिर एक्सक्रीशन कैसे होता है, इजेशन क्या होता है, और इस तरह से आपका जो है एक न्यूट्रिशन टॉपिक खत्म होता है. न्यूट्रिशन के बाद आप रेस्पिरेशन पढ़ते हो और उसमें ब्रीदिंग का मैकेनिज्म पढ़ते हो. रेस्पिरेशन में कहते हैं जस्ट ए फिनोमेना जिसमें आप क्या करते हो एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, और ब्रीदिंग इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर होता है. अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग जो है तरह का ऑर्गन होता है जो कि गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है. आपने ये स्टडी किया. फिर आप जब रेस्पिरेशन स्टडी कर लिए तब आपने क्या पढ़ा, तब आपने जो है रेस्पिरेशन पढ़ लिया, न्यूट्रिशन पढ़ लिया, एक चीज और क्या था ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपने पढ़ा. ट्रांसपोर्ट सिस्टम एनिमल के अंदर और प्लांट के अंदर स्टडी है. क्या प्लांट के अंदर जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं, ज फॉर जाइलम, ज फॉर जल, फ फॉर फ्लोएम, फ फॉर फ्रूट. फ्लोएम मल्टीपल डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम सिर्फ रूट से लीव तक पहुंचाता है, जिस मैकेनिज्म से पहुंचाता है उसको ट्रांसपिरेटरी पुल मैकेनिज्म कहते हैं. रूट प्रेशर स्मॉल डिस्टेंस तक के लिए जो है हेल्पफुल होता है. फिर चीजें और आगे बढ़ी और हमने सीखा जो है ह्यूमन के हार्ट के बारे में, ह्यूमन के ब्लड के बारे में और ह्यूमन के अंदर पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल में स्टडी किया, जिसका हमारा एक बेस्ट वीडियो था जब अभी तक जितना बनाया हमको लगा कि बेस्ट वीडियो था हमारा जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का और अभी ये देखिए कैसा होता है. और उसके बाद जो है हमने अब जो स्टडी किया आज जो है वो एक्सट्रीशन किया और इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है मेरे प्यारे बच्चों. तो फिर मिलते हैं एक नई दिशा और नए शुरुआत और नए दोस्तों जुनून के साथ अगले वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद और जल्दी हम आपका टेस्ट भी लेने वाले हैं. ठीक है.